निश्चित तौर पर आज जो जिला कमेटी की ओर से 2019 की तैयारी के लिए कार्यशाला यहीं से शुरू कर दिए हैं कि हम लोग 2019 की लोकसभा और विधानसभा जीत कैसे पक्का होगा, इसलिए कार्यशाला में जिला कमेटी की ओर से निर्देश प्रखंड स्तर को दिया जाएगा कि हम लोग कैसे जनता के बीच जाना है, क्या सरकार का खामियां है, इसके लिए आज कार्यशाला रखा गया है। उस कार्यशाला में जीत पक्की कैसे होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसलिए कार्यशाला रखा गया है। देखिए, हम उनके बारे में ना उनका अपना पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपके बोकारो जिला में गोमिया विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं, उनका उल्टी गिनती शुरू हो गया है, इसलिए घूमने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काहे कि आप देखे थे कि गोमिया विधानसभा में कि जितने झारखंड के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सारे लोग कैंप किए थे, लेकिन जनता उसका रिजल्ट क्या दिया आपके सामने है, इसको दोहराने की चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उल्टी गिनती शुरू हो गया है, अब वो किसी हाल पर सरकार में नहीं आ सकता है। हमारा बूथ स्तर के लोग ही हैं, हमको खोजना नहीं पड़ेगा, बूथ स्तर में ही खोजना नहीं पड़ेगा, मेरा बूथ स्तर का आदमी है। सिर्फ जो सरकार का खामियां है उसको बताना है कि ये 5 साल सरकार रहा, केंद्र में 5 साल सरकार रहा, पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री पिछले चुनाव में सभी को बोला गया था कि सभी गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए चला जाएगा, आया क्या? बोले थे काला धन आपस कर देंगे, वो आया क्या? काला धन आपस ले आएंगे, वो आया क्या? युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक साल, नौकरी दिए क्या? ये तो ये बात जनता के बीच रखना होगा ना, अपना मुद्दा रहेगा, लेकिन जो वो बोले थे बोल के नहीं कर पाए आज तो करना होगा ना, जनता तो आधी है, आज तो करना होगा।